बच्चा घर में था, चार बजे के टाइम दोस्त आए, पांच दो जने आए घर तक, आके बुला के लेके गए बच्चे को, यहाँ गली में कुछ सिर घटान घटान पिलाए कते गांजे के, फिर आगे लेके गए क्योंकि सेंधी ठीक थे, सेंधी भी पिलाए, और जो नवाज और क्या अहमद शोएब नवाज थे बच्चे, हिंदू के दो बच्चे थे, ये बच्चे सब तीर तीर ने लेके गए। वो नहीं तीर तो बोल रहा था कते बच्चा, मैंने तीर तो मैं बहुत डॉगन दिख रहा, बोले तो तीरेंगे तीरेंगे बोल के जंप मारे कते नोगा। हमारे को 9 बजे के टाइम पे हम बच्चे को ढूंढ रहे, हम बच्चे को 9 बजे से ढूंढ रहे थे, 10 बजे वो बच्चा मिला दोस्त, तो इसको पूछे रही तू आके से फैसल को बुलाया था ना, फैसल कहाँ है बोल के पूछे पूछे, तो जब 10 बजे बोला नहीं भाई हम लोग गए थे वहाँ पे तीरने के वास्ते, ऑलरेडी वहाँ पे 3 दोस्त मौजूद थे, सागरा वगैरह वो शराबा क्या क्या की लेके सेंधी हिंदी गांजे अंजे लेके वहाँ थे 3 दोस्त फैसल के, फिर हम लोग 5 जने इधर से, 6 जने हम लोग इधर से गए, और मैं हम लोग और वहाँ गए बाद फैसल को सिगरेट पिए पिला के, सिगरेट पिला के करके कूदने लगाए फैसल ने, कुत्ते बोले, फिर बाहर नहीं निकले, उसको निकालने की कोशिश करा दूसरा जना नहीं निकला, तो उसको अंदर ही ढकल दे के वापिस आ गया बिन बोल के, बोले इससे हमारे घर के 2 बच्चे उनको ऐसी करे, मेरे पहले बच्चे को क्या कि हाथा बन के डाल दिए थे मार के लेके जाके, अब ये दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा दुश्मनी करके लेके गए, ये बच्चों को क्या है, ऊपर वाला बच्चा लड़े हुए जब बोला था कहते तू दूसरे एरिया से आके यहाँ रह रहा ना तेरा मटर करता हूँ तेरे को जान से मारता हूँ बोल के धमकी दिया था, कहते हमारे को वो रुफा होना, हमारे को राजनगर पीएस से हमारे को इंसाफ होना, इससे पहले के बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, अब ये बच्चे को इंसाफ होना, हमारे पास आदमियाँ नहीं मारेंगे, हम औरता मटर करेंगे, हम मटर करेंगे, हम जान से मार देंगे बच्चों को, मगर हम जान के बदले जान लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम केस नहीं करेंगे, मगर हम जान के बदले हम जान लेंगे। हम क्या काम करता था बच्चा? इस सेंटर इनके काम पे जाता था बच्चा, सुबह में जाके शाम में आता था बच्चा, 18-19 साल का है बच्चा, जवान बच्चा है 18 साल। मेरे 2 बच्चे नवाज है, उनको ऐसी के शाम में आता था बच्चा, 18-19 साल का है बच्चा, जवान बच्चा है 18 साल। मेरे 2 बच्चे नवाज है, उनको ऐसी करे वही नदी में डाले मैं दोनों नवासों को, अब तो इंसाफ दिला मुझे, मेरी गरीब बच्ची की जिंदगी का सवाल है ये, इंसाफ होना मेरे बच्ची के दोनों बच्चों के संगात ऐसी करे, आखिर क्या दुश्मना की है हमारे से, कोई इंसाफ नहीं है, पुलिस जो रहती है ना कि अदालत वो इंसाफ के लिए रहता, मगर इंसाफ नहीं है हमारे वास्ते, बेमानी का है, पुलिस जो है बेमानी की है, जहाँ पैसा खिलाते वहाँ का गाना गाते, वो लोग ईमान पे नहीं चलते, ड्रेस पहन के मगर आप खाकी ड्रेस पहन के मगर कोई इंसाफ नहीं है। हम लोग इतनी मुसीबत आके दूसरे बच्चा जो गांजा भर के दिया वो बच्चा आके पूछ रहा यार मर गया, कलिच मरा, कल नहीं मिली डेड बॉडी, अब मिली डेड बॉडी, ऐसा ऐसा बोल के पूछा, तो बच्चे का छोटा भाई इन था भैया के साथ इन था, बोले तो हम पकड़ के लेडीज मारे तो बच्चों को अरेस्ट करते, बोलते हमारे घर की जान चले गई आप लोगों को फिकर देंगे, हम इसको मारे तो कैसा बुक करते, हाँ ये तरीका है, ये कानून है, इसको हंदा कानून बोलते, इसलिए कोर्ट में पट्टी बनी हुई रहती, हंदा कानून सुने नहीं आता, आपको पट्टी है देखते नहीं, इंसाफ क्या करते, एक माँ का पेट चला इसको इंसाफ नहीं दिला सकते, दूसरे को मारा लगे तो कैसा बुक करते, जो कैसा बुक करना बुक करो, हम जेल काटने को भी तैयार है, हम एक के पीछे हम 4 की जान लेके हम केस बुक करेंगे, हम जेल काटेंगे या नहीं तो सूली चढ़ेंगे हम।
इंसाफ नहीं मिलता हमारे को। पहले बच्चे के टाइम पे भी इंसाफ नहीं मिला, अब ये इस पे भी हमारे को उम्मीद नहीं है, हमारे को इंसाफ नहीं मिलता। मैं कैसे के कनकैया सर से, डीसीपी एसीपी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं हर किसी की हेल्प करी, मैं हर किसी लेडीज की, मैं पैसा नहीं देगी, मैं पैसे के पीछे नहीं भागी, हर किसी की हेल्प करी, मगर मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं मिला। मेरे को इंसाफ होना या नहीं तो हम कुछ जो करना है हमारे हाल पे छोड़ दो, हम पे केस बुक करो, जेल को भेजो, जेल को कितने दिन रखेंगे, साल, दो साल, तीन साल, उम्र कैद की सजा होगी ना। हम तैयार हैं काटने के लिए। हम अल्लाह हाफिज़।